कलाम साहब तो एक बार बन चुके हैं, इसलिए वाइस प्रेसिडेंट को ही अपग्रेड करके उनको बनाना चाहिए। अब्दुल कलाम साहब देश के बहुत ही सर्वप्रिय और बहुत ही सम्मानित राष्ट्रपति साबित हुए थे, और आज भी अगर उनके नाम पर कोई आम सहमति होती है और सारे दल उस पर सहमत होते हैं तो उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम भी उसका समर्थन कर सकते हैं। मुझे तो अभी पता ही नहीं, मैं कुछ अभी आप जो आप भी कह रहे अंदाजिया कह रहे, अभी कहीं कुछ चर्चा है नहीं। दो दिन में राष्ट्रपति पद के लिए दो नाम आने से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही ये जानते हैं कि उनके पास बहुमत नहीं है, लिहाजा एसपी और बीएसपी राष्ट्रपति के चुनाव में बड़ी भूमिका निभा सकती है। यही वजह है कि कांग्रेस और बीजेपी आम सहमति बनाने की बात कह रही है कि बीएसपी ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। पहले उम्मीदवार का तो डिसाइड हो जाए कि कौन उम्मीदवार आ रहा है, उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। इसी नाम की कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन बेहतर स्थिति यही होगी कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बने जिस पर कि सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच एक कंसेंसस बने।